माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। अब सेहरी का हुक्म आ गया, वकुलू वश्रबू हत्ता यतबयन लकुम अलखैतुल अबयद मिन अलखैतिल अस्वद मिन अलफज्र, और खाते रहो और पीते रहो यहां तक के तुम्हारे लिए फज्र के वक्त के एतबार से सफेद डोरी स्याह डोरी से बिल्कुल अलहदा हो जाए। असल में इसको बाद साहबा ने तो समझा कि ये लुगवी मानी उसके लिए लिए कि आप अपने तकिए में एक सफ़ेद धागा रख लिया एक और एक काला रख लिया, और देखते रहते थे जब ये सफ़ेद और काला अलहदा अलहदा नज़र आने लगे तो फिर रोज़े का रखने का वक्त शुरू हो चुका और अब खाना पीना बंद कर दिया जाए। फरमाया गया ये मुराद नहीं है। ये जब पाँव फटती है तो उसके अंदर एक सफ़ेद सी लकीर जो है उफक के ऊपर आती है, ये है मुराद कि वो जो सफ़ेद लकीर है वो जाहिर हो जाए और वो रात के इख्तिताम का गोया कि एक ऐलान और इल्म बन जाए। तो वकुलू वश्रबू, अब इसकी जो है बड़ी ताकीद की गई है, तसहरू फ़इन्न फ़िस सुहूर बरकत, सेहरी ज़रूर किया करो, और ये दर हकीकत बरकत का ज़रिया है। ये भी आपने फरमाया हमारे और यहूद के रोज़े के माबैन जो फ़र्क है वो सेहरी है, ये सेहरी, क्योंकि रोज़ा जो है वो फजर से लेकर और ग़ुरूब आफ्ताब तक है, तुलू आफ्ताब से नहीं फजर से, जबकि वो सफेदा सफर सहर जिसको हम कहते हैं नमूदार हो जाए, तुलू आफ्ताब का भी डेढ़ घंटे बाद होगा कहीं जाकर, लेकिन उस वक्त जो है रोज़ा शुरू ग़ुरूब आफ्ताब पर ख़त्म। इस हवाले से इससे पहले खाना पीना, और इसमें भी फरमाया गया कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं वो सही नहीं है, इसलिए कि फजर के लिए अजान जब देते थे तो उसमें बाज़ हज़रात ज़रा जल्दी करते थे, हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं देखो ये ज़रा जल्दी कर देते हैं, अगर तुम में से किसी के हाथ में प्याला है अभी वो कुछ खा रहा है अजान हो गई है तो वो अपना प्याला पूरा कर ले, इसमें भी तशद्दुद की ज़रूरत नहीं। जैसे कि इससे पहले हम पढ़ चुके यस्सिरु वला तुअस्सिर, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है सख्ती नहीं चाहता। तो इसी तरह फरमाया वकुलू वश्रबू हत्ता यतबयन लकुम अलखैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर अब रोजे को पूरा करो रात तक। इलल लैल में फिर बड़ी बहसें हुई हैं, इस लफ्ज़ की मुनासबत से अहले तशय्यो इसके कायल हैं कि जबकि खूब अंधेरा हो जाए, लेकिन अहले सुन्नत का इजमा है कि गुरूब आफ्ताब इससे मुराद है, इसलिए कि आगाज रात का गुरूब आफ्ताब के साथ, और इसमें भी अहादीस के अंदर आया है कि ताजील करनी चाहिए। बाद लोग वही जो मैंने अर्ज़ किया कि तकवा के तहत जो है जैसे कि सफ़र में भी रोज़े रखते हैं या 104 बुखार के दर्जे में भी वो रोज़ा कज़ा करने को तैयार नहीं होते, ऐसे ही वो ताखीर करते हैं अपने तकवे के हिसाब से, कहीं ऐसा ना हो को गलती ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो फिर उसके अंदर वो इफ्तार में, तो आपने फरमाया कि कौम जो है उसी वक्त में सही रहेगी जबकि वो इफ्तार में उजलत से काम, यानी सेहरी के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, अगर अजान हो रही है उसके दौरान भी अगर कुछ खा पी रहे हो तो खा पी लो मुकम्मल कर लो, इसी तरीके से इफ्तार के अंदर जो है वो ताखीर करने की ज़रूरत नहीं, सूरज के ग़ुरूब के साथ इफ्तार कर लो।